हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़ोन में डिसेबल ऐप को इनेबल कैसे करें। तो अभी देखिए, हमारे फ़ोन में गूगल क्रोम और कैलेंडर डिसेबल हो गया है। अभी हम इन ऐप को इनेबल करके आपको बताएंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे ऊपर ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट, और इसके नीचे ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट ऐप, और इसके नीचे ऑप्शन है डिसेबल ऐप। तो अगर आपके फ़ोन में डिसेबल ऐप का ऑप्शन रहेगा तो इस पर क्लिक कर देना, जो भी ऐप डिसेबल रहेगा सब यहां पर आ जाएगा। और ऐप पर क्लिक करके आप यहां देखिए इनेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐप इनेबल हो जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा डिसेबल ऐप का, तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आपके सभी ऐप्स आ जाएंगे। अब जो भी ऐप डिलीट हुआ रहेगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, हमने क्रोम को अभी इनेबल किया है। अब देखिए, हम कैलेंडर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और बैक आ जाते हैं। तो जितने भी ऐप्स रहेंगे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा ऐप आपके फ़ोन में डिसेबल है। तो देखिए, यहाँ पर असिस्टेंट भी हमारा है जो वो डिसेबल है, इसे भी हम इनेबल कर देते हैं। तो हमने अभी तीन ऐप को इनेबल किया। अब हम आते हैं बैक होम स्क्रीन पर, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोम और कैलेंडर हमने इनेबल किया और साथ में असिस्टेंट को भी इनेबल किया, और तीनों ऐप हमारे फ़ोन में आ चुके हैं। और अब हम इन ऐप्स को चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो काफ़ी आसान है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।